मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखते हुए कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर कमलनाथ को एक पत्र लिखा है। कमलनाथ गौशाला खोलने की बात करते हैं और प्रियंक खड़गे के बयान पर चुप रहते हैं। उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर, खुद सुनिए। मैं माननीय कमलनाथ जी को पत्र लिख रहा हूँ आदरणीय प्रियंक खड़गे जी के बयान के आधार पर, ये बहुत गौशाला खोलने की बात करते थे ना। अब इस पे अपनी राय बताएं। कांग्रेस की एक सरकार बनी है, अभी विधेयक वापस हुआ बेटियों को लेके, दूसरा बयान पंचायत मंत्री का आ गया। मैं कमलनाथ जी से पत्र लिख के पूछना चाहता हूं कि आपका इस बयान के बारे में जो घोर निंदनीय बयान दिया है, इस तरह की जो उनकी प्रतिक्रिया आई है गौ सेवकों के लिए, गौ रक्षकों के लिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और आप कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहते हो? प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर जबरदस्त गुटबाजी है और इस पोस्टर पॉलिटिक्स के लिए भी कांग्रेस की गुटबाजी ही जिम्मेदार है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के तमाम सर्वे वाले बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे मित्र गोविंद सिंह जी ने भी एक रिपोर्ट लिखाई है कि उनको फोन पर किसी ने राहुल गांधी जी का नाम लेके बुलाया है। अब ये क्या क्रिया की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? पोस्टर कार्यालय तक आ गया, ये जो हमने पोस्टर लगा था तभी कहा था, अब ये फेक कॉल आ गया। एक दूसरे को परेशान करने का जो क्रम कांग्रेस में चल रहा है, इससे आप कांग्रेस के अंदर खाने का समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में परेशान करने का सगल चल रहा है।